पावदरी भजवा भगवान, सुख दुख तो यावे संसार मा, पुत्र वियोगे राजा दशरथ नो देह पड़ो, राम सीता पाया वनवास, सुख दुख तो यावे संसार मा, पावदरी भजवा भगवान, सुख दुख तो यावे संसार मा, देवता ने दुख पड़े मनुष्य ने केम गमे, कर्मे मांडे लय तो सौने भोगवा पड़े, हारे जीवन नी होड़ी अहंकार, सुख दुख तो यावे संसार मा। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। आज का ब्लॉग हम यहीं दोपहर से शुरू करते हैं, पौने 12 बजने को आए और किंजल यहाँ पे सारा कपड़ा उथल पुथल करके अकेली बैठी है। हाँ, तो अभी संकेल रही है। पापा कब आएंगे किंजल? अभी पता नहीं, अभी ऑन द वे होगी। ऑन द वे होंगे। ओके, यहाँ पे काका खुचुर मुचुर, राजू भाई खुचुर मुचुर और अरुण पापा रुचुर मुचुर कर रहे हैं। और यहाँ और पापा थे एम ने चारे पोरा ने जरूर करते हैं वधारा ले ले। अच्छा, वाह भाई वाह, ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर आनंद आ गयो सर पापा। हां कपा बहुत ज्यादा थियो ने और। अच्छा हां, ई से हां दर वर्षे करता वधी जो ट्रैक्टर भराई भराई ना आवे। वाह भाई वाह, और फायदो से फायदो ने फायदो एकदम फायदा। चेक लगता था घणा है हमना, चार चेक लिखा, चार चेक लिखा बड़ा देवाना के रूपा देवाना बता। ईसा खाली करवाना छे फ्लोर ये नहीं ये फैमिली। आ शू करत तू? हां अरुण बाबा 5 लाख का मन थे लाख दे सो ये तो कर के। अरे हे, अरे पापा और मां गए हो दोनों अभी माता जी का दर्शन करने के लिए। अभी आएंगे तो उनके साथ रूबरू करवाएंगे और आज भजन का सिलसिला शुरू होगा। नई नई धमाल मस्ती शुरू होगी। कमेंट्स का आपका आंसर्स का जवाब देंगे आज। तो बहुत सारी एक्टिविटीज आज करने वाले हैं, तो खास बने रहिएगा एंड तक, बहुत ही मज़ा आ जाएगा। और सबका ऑर्डर भी इतना निकल रहा है ऑर्गेनिक फूड का, तो थैंक यू सो मच। और सबके रिव्यू भी इतना आ रहा है कि आपके ऑर्गेनिक फूड से इतना इतना ज़्यादा घर में फ़ायदा हो रहा है। हम यही चाहते हैं कि आपका फ़ायदा हो, रिजल्ट मिले। रिजल्ट ना मिलेगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप सबको रिजल्ट मिले, अच्छा अच्छा फूड खा के अपनी हेल्थ मजबूत बनाइए। मैं बोलता हूँ कि थोड़े पैसे ज़्यादा डालकर अच्छा फूड खाना अच्छा है, ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर को देने से। तो चलिए, अभी मस्त दोपहर का दिन चल रहा है और यहाँ पे गलगोटा की भरमार है, मस्त खिल रहा है। किंजल क्या बनाया आज तुमने? आज है गुवार की सब्जी और रोटी। बन गया सब? बन गया। क्या बात है, किंजल ने सब रेडी कर दिया है। मम्मी पापा अभी आएंगे तो आते ही खाते खाएंगे। हाँ, आएंगे खाएंगे, मजे करेंगे, मजे करेंगे। हाँ, गुवार वड़ी बनाएंगे। ओके, विलेज कुकिंग मस्ती में भी सब लोगों ने धमाल मचा दिया। क्या बनने वाला है? हाँ, आज कुछ विलेज कुकिंग मस्ती में, क्योंकि भरेल मरचा का भजिया सब लोगों ने बहुत ही हमसे प्यार दिया, तो नई रेसिपी वापस हम ढूंढने वाले हैं। तो विलेज कुकिंग मस्ती हमारी दूसरी चैनल है, वहाँ पर भी हम बहुत ही ज़्यादा मस्ती करते करते अलग अलग रेसिपी बनाते हैं, तो उसमें भी आप जाइएगा, डुबकी लगाइएगा, मज़ा आएगा। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है? और इसी तरह आप हमारे चैनल खोलोगे तो उसके अंदर और नहीं 3 चैनल है, उसमें एक जय हो विलेज की भी चैनल है, जिसमें हम माझियों का 100 से ऊपर माझियों का घर चलाते हैं, बेटियों की शादी करवाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। बहुत ज़्यादा सोशल वर्क भी हमसे जुड़ा है, क्योंकि हम कर्म से ज़्यादा बिलीव करते हैं, कर्म के ऊपर कुछ नहीं है। सबसे ज़्यादा हम ये कर्म भूमि के ऊपर कर्म करने आए हैं, तो सब जितना अच्छा होता है अच्छे कर्म कर लीजिए, साथ में वो पहले आएगा, ठीक है? चलो किंजल, चलो तो अभी खाना खा लेते। बस खाओ अच्छे, खाओ अच्छे। अरे कौन है वो? कौन से? दादा जी। यहाँ से दादा, मेरे पापा जाके आए मंदिर, खोडियार माता जी का मंदिर जाके आए। दर्शन थे क्या? अरे वाह, हाँ तरवड़ा गया था। हाँ तो अभी बजे दोपहर के 4 और यहाँ पे देखो बाप बेटी अभी रस निकालने बैठे हैं। मैंने सोचा आज सबके लिए मौसमी का बहुत ही मस्त, और ये इतनी मीठी मौसमी है, बहुत कि भाई शक्कर इसके अंदर डाला होगा ना वैसी मीठी लगती है। हाँ। तो आइए सबके लिए गुलाब का, राजू भाई बैठे हैं, सबको देते हैं, मम्मी के लिए, आपके लिए, सबके लिए, मतलब हम ये सब पिएंगे, पूरी फैमिली मस्ती करेंगे, ठीक है? ये चकली देखो, आरु अरे शू पीवू छे भाई? आप सबकी बहुत ही ज्यादा बहुत ही बढ़िया कमेंट्स आई है,
और आज हम बैठने वाले हैं ब्लॉग के क्वेश्चन आंसर करने वाले, क्वेश्चन आंसर खास आप सबकी कमेंट से, और बहुत सारे लोग हमसे नए नए जुड़ रहे हैं, थैंक यू सो मच। तो बस ऐसे ही हमारी फैमिली मस्ती करती रहेगी, आगे तो और नया मजा आने वाला है। ठीक है, आइए पहले फटाफट मौसमी का जूस निकाल लेते हैं। बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है। आइए इसको पहले मुंह से धो देते हैं फटाफट, और उसके बाद इसमें डालती जाओ, और उसके बाद आप सबको मस्त पिलाना है ऑरेंज जूस, मौसमी जूस, जूस पे जूस। जूस पीने से बहुत मतलब फायदा होता है, हाँ, एनर्जी भी आती है, स्किन भी अच्छी होती है, और एज भी नहीं दिखती। आइए मौसमी का सबको जूस पिला देते हैं मस्त, और इतनी मीठी आती है भाई, बहुत मीठी। और मौसमी में एक बात आप गौर से ध्यान रखो और सुन लो कि मौसमी जितनी छोटी उतनी अच्छी, और छोटी इतनी अच्छी क्यों, क्योंकि वो भैया ने हमें बताया, क्योंकि बड़ी जो छोटी होती है ना वो तभी फार्मर उतारते हैं जब पक गई होती है, तो वो मीठी होती है, और जो बड़ी होती है ना उसको बाद में उतारते हैं तो उसे उसमें जाड़ी छाल आती है, और इसमें पतली छाल और मीठा अत्यंत मीठ कर डाली होती है ना भर भर की, इतनी मीठी। तो छोटी मौसमी बाजार से लाइएगा, बड़ी का ख्वाहिश मत रखिएगा, बड़ा केला और बड़ी मौसमी कोई फायदा नहीं होता, वो मतलब दिखावे के लिए होता है, जो छोटा केला और छोटी मौसमी बहुत ही बढ़िया। पूरे किचन का नक्शा बदलने वाला है, हम यहाँ पे कुछ नया किंजल तो पता है, दिवाली के बाद हम शायद शुरू करेंगे। यहाँ पर किंजल ने मस्त कटिंग कर दी है सारी मौसमी, झीणी झीणी मौसमी, देखो इसकी छल भी पतली है और मिठास भी इसकी बहुत ज्यादा, हाँ पतली छाल है। तो चलिए सारी निकाल देते हैं मौसमी का जूस और सबको मस्त पिलाते हैं। ये चकली सब बैठ ही कर रही है, टिमबुड़ी है, ग्लास पे ग्लास भरे जा रहे हैं, तो पहले बाहर दे देते हैं। मम्मी जय सुनना रहे, जय सुनना रहे, क्या मजा ऊंगा है कि नहीं, सबको देख के आओ, सबको तीनों को मस्त जूस देने के लिए। वाह भाई वाह, पूरा का ग्लास आ गया है काका, मीठी एटले साकर ना क्यों तुमने देव ला के साकर ना की दी से जब पी लो। राजू भाई को भी दे देते हैं, राजू भाई हम तुमने हम लगी साकर ना की पियो, अरे साकर ना की से बेटा के हम जा काका सुपर गए तो पण हो तो वाट पड़े पड़े के तो उतला उस के काका चलिए आगे और रस निकाल देते हैं। दादा बा बधु आवी जाय पे चकली बहुत नटखटी होती जा रही है अभी। दीदी कड़े हाथ बो रखे क्या थी चेकी दो कड़े हाथ रखे अरे दोनों चले हैं मंदिर पे दर्शन करने के लिए। कमेंट्स का और भजन का सिलसिला शुरू करें, उससे पहले किचन में देख लेते क्या कर रहे हैं माँ बेटी दोनों। यहाँ पे किंजल मस्त कढ़ी रेडी कर रही है, साथ में कौन सा लोट है किंजल, बेसन का आटा, बेसन का आटा है मस्त, और कढ़ी बन रही है खट्टी खट्टी छाछ में, क्या रोटला कढ़ी और रोटला दोनों है। और यहाँ पे माँ मस्त क्या बना रहे हो, पिंडा रोटली का पिंडा रेडी कर रहे हो। माँ ने इच्छा एवी हती कि मने दीकरो माँ के एटले अनुभव मजा आवे, हूँ माँ शब्द माटे तलकती हती कि मने माँ के, मम्मी कहता है माँ शब्द मोटो, माँ मम्मी तो थोड़ी छे पण माँ शब्द मोटो, माँ मोटो छे। यूके थी लोको ए जिया दीदी वीडियो मुकलो, तो किंजल ने यहाँ पे मस्त गुठली बना दी है मैंगो की, जो गुठली होती है ना उसके ऊपर
उसके ऊपर संचौ बहुत ही बढ़िया मस्त गुडली रेडी कर दी। अभी इसको मुखवास के अंदर मैं चाहता हूँ कि जल ऐड किया जाए। हाँ तो जा सकते तो मस्त लगा जाए, मस्त लगे। हाँ जोरदार लगेगी। तो चलिए अभी लास्ट में हम बैठेंगे या फिर हमारी जो कमेंट्स का सेक्शन है किंजल, टाइम ही नहीं रहता, क्या करें। अभी मम्मी का भजन सुन लेते पहले, सुन लेते उसके बाद, उसके बाद वो भजन सुन के मुझे आंख में आंसू आ गए। मतलब वो जो दिल से गा रहे थे, बहुत अच्छा, खुद के ऊपर जो परिस्थिति गुजरी है उसके ऊपर से वो जो भजन गाया गया है, बहुत अच्छा। तो खास कमेंट कीजिएगा। अभी बजे 8 शाम के और यहाँ पे देखो दोनों बहन मस्त अभी खेल रही है। आरोही तो पूरे दिन सुबह से उठते है शाम तक मतलब खेलती खेलती रहती है, थकती नहीं है। रोही को पैर में क्या हो गया है, सूजन आ गया है रोही, क्योंकि कल गिर गई थी इसलिए, है ना। यहाँ पे देखो माँ और बेटा दोनों मालिश कर रहे हैं मम्मी दर्शक को। मेरी उंगली में थोड़ा थोड़ा वो था ना, हाँ, तो उन्होंने बोला कि गरम तेल होता है ना, हाँ हाँ, उनका थोड़ा मालिश करते हैं ना तो रिलैक्स हो जाता है, फ्री हो जाता है। तो जो स्नायु होते हैं ना, हाँ, तो थोड़े अप डाउन थे अभी, क्या है कंटिन्यू का डोज उतर गया अभी, हाँ, काले तल हम खाएंगे ना, हाँ, तब अच्छा हो जाएगा, चलेगा। ओ मम्मी सेवा करो छोकरा छोकरा ने मसाज हो रही है। आज मम्मी आपकी कमेंट बहुत अच्छी अच्छी आई, हाँ सरस रीते कायम देता रे, हाँ प्रेम देता रे बधा, आशीर्वाद बधा आपता रे, जोया किंजल आरोही और पापा और माँ दोनों चले गए गुलाब काकी के घर और अभी हम बैठने वाले थे कमेंट सेक्शन में आप सबका, लेकिन क्या पता आज भी ये थोड़ा सिलसिला रुका हुआ है, जैसा होता है। हाँ बहुत सारे आप लेकिन कमेंट करना बंद मत कीजिएगा, मैं सबकी कमेंट लिख रहा हूँ, तो सबकी लिख लिख के सबका नाम बता बता कर सबकी बोलूंगा हो सके उतनी, ठीक है। तो आज चलते गुलाब काका के घर, उसके बाद एंड में भजन इतना बहुत ही ब्यूटीफुल सुनना है, तो रुकिएगा, चले चलते बिना देर किए गुलाब काका के घर, ठीक है। चलो आ रही, बाय बाय। ये भी ब्लॉग उतार रही है, देखो ये भी बड़ी होके शूट करने वाली ब्लॉग है, छोटी आओ किंजल आओ, अरे वाह, जय सोमनारायण काका, जय सोमनारायण, जय सोमनारायण। हाँ या बा का हर कोई ध्यान नहीं देता, सोपाई बार ले लीधा एमने, हूँ बात है हूँ बनाव जमवा माल है गुलाब काके के घर। ये घर इतना बहुत ही बढ़िया है और यहाँ पे आने के लिए बहुत बायोडाटा भी आए हैं, देखते हैं काका कौन सा फाइनल करते हैं, यहाँ पे धिंगा मस्ती करते हैं। कल बहुत सारे कमेंट्स और नए नए उनकी लाइफ में क्या जो प्रॉब्लम आई अभी तक, जिनसे वो झुझुमते थे तकलीफ में थे और अब जाके उनको इतनी बड़ी खुशी मिली है, तो उनके पीछे का वो राज भी जानेंगे कि कितनी तकलीफ से वो बाहर आए, तो लोगों को प्रेरणा मिलती है इसलिए हम बताना चाहते हैं। हवे तमारो हक से तो सरपंच ने सरपंच ने खावानो जो है અમે ખાવા જોઈએ છે એલો જો મુજે બુતા બે ગરડો મળે દાદ માં ખીલ્યા છે વાત જવાય છે ની ધીમે ધીમે હાલે માંડવા मजा आ गया। आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करके सीधा मंदिर पे भजन पे जाते हैं हमने आज बहुत कॉमेडी की। तो अभी हम आ गए मंदिर में क्योंकि आज मैं और मम्मी आए हैं दर्शन करने के लिए, तो अभी दर्शन कर लिया मस्त, और मम्मी आज भजन गाने वाले हैं मंदिर पे,
तो मम्मी चलो भजन मस्त सुनाएंगे, तो सबको कैसा लगा वो कमेंट करो। तो हर रोज मम्मी एक भजन गाएंगे, तो चलो अभी जय स्वामी नारायण। भगवान सुख दुख तो आवे संसार मा, भाव धरी भजवा भगवान सुख दुख तो आवे संसार मा, कोक समे आंगणे कथा कीर्तन थाय छे, कोक समय हरी नुरुदान सुख दुख तो आवे संसार मा, पावदरी भजवा भगवान सुख दुख तो आवे संसार मा, कोक समय भवत भोजन कोक समय पाक पकवन कोक समय बोड़े उपवास सुख दुख तो आवे संसार मा, पावदरी भजवा भगवान सुख दुख तो आवे संसार मा, पुत्र वियोगे राजा दशरथ नो देह पड़ो, राम सीता पाम्या वनवास सुख दुख तो आवे संसार मा, पावदरी भजवा भगवान सुख दुख तो आवे संसार मा, देवता ने दुख पड़े मनुष्य ने केम गमे, कर्मे मांडे लये तो सौने भोगवा पड़े, हारे जीवन नी होड़ी अहंकार सुख दुख तो आवे संसार मा। वाह मम्मी वाह, बहुत मस्त कीर्तन सुनाया मम्मी ने, बहुत मजा आया सुन के, बहुत अच्छा लगा मुझे। और आप कमेंट करो कैसा लगा कीर्तन मम्मी का। भगवान का दर्शन करने के बाद घर पे जाते हैं और घर पे धमाल मचाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहीं पे एंड कर देते हैं, पूरा एडिट कर दिया है, बज गए 11:30 और भजन आपके दिल को छू गया होगा, क्योंकि जो ये भजन गा रहे थे उनके ऊपर जो बीती है, उनके जो दिल से और लाइफ से गुजरे है, उसके ऊपर से सुख दुख की बात के ऊपर से भजन वो खुद गा रहे थे। तो बस इसी तरह हर रोज़ कुछ ना कुछ भजन से हमारी फैमिली से बहुत सारे लोग इतने इंस्पायर होते हैं, अपनी तकलीफ अपने दुख भूल जाते हैं। बहुत सारे लोगों के मतलब बहुत सारे लोगों के फ़ोन्स आए, मैसेज आए, मैं सबके जितना हो सकता है रिप्लाई देता हूँ। दर्शक भाई, हम जितना बड़ा टेंशन लेकर आते हैं लेकिन आपका ब्लॉग देखते रहते हैं ना, तो बहुत ही माइंड फ्रेश हो जाता है। तो थैंक यू सो मच कि भगवान ने मुझे जरिया बनाया कहीं ना कहीं टेंशन दूर करने के लिए। बस इसी तरह कल भी कुछ नए अंदाज के साथ मस्ती से आपसे वापस जुड़ेंगे, तो कल मिलते हैं। तब तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब खास कर दीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।